बना वीडियो नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्नेक लवर के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का रेस्क्यू कॉल दोस्तों हमें आया है ग्राम जामकोटा से। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे ये 3 दिनों से एक ही जगह पे बैठा हुआ सांप है दोस्तों। वो हमारी लाइफ का पहला, मतलब इतना बड़ा सांप है ये कि पहली बार दोस्तों हमने इसे देखा है। काफ़ी मोटा ताज़ा है, बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम का है दोस्तों। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे है दोस्तों, और काफ़ी ख़तरनाक सांप बैठा हुआ है दोस्तों। जब भी दोस्तों इनकी केचुली आती है ये काफ़ी आक्रामक होते हैं दोस्तों, काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से बैठा हुआ है। यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे दोस्तों कहीं कहीं पे पलटू के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पे खरीज भी कहा जाता है दोस्तों, और कहीं कहीं पे इसे दोस्तों नाग कहा जाता है, और वैज्ञानिक नेम दोस्तों इसका नाजा नाजा रखा गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप इसकी लंबाई या चौड़ाई देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, काफ़ी भारी भरकम का है दोस्तों। जीवन में पहली बार दोस्तों इतना बड़ा सांप देखा, आप उसके मुंह को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। और ये काम बहुत ख़तरनाक है दोस्तों, ऐसा करने की आप कोशिश ना करें। चलिए दोस्तों इसे थोड़ा सा छेड़ा हमने और इसने अपना आक्रामक रूप ले लिया है। जब भी दोस्तों ऐसा सांप आपको दिखता है इसे उचित दूरी बना के रखें। इसका एक नाम और है दोस्तों पलटू, इसकी स्पीड काफी होती है पलटने में। यार भैया आपको डर लग रहा है? आप देख सकते हैं दोस्तों इसका वज़न ज़्यादा होने के कारण दोस्तों ये हुड पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। काफ़ी ख़तरनाक मंजर है दोस्तों, ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप जिस तरह से वो खड़ा हुआ है, उसका वज़न उससे संभल नहीं पा रहा है। आप देख सकते हैं कि रहन सहन की व्यवस्था है दोस्तों। और बड़े ताज्जुब की बात है दोस्तों, 3 दिनों से यहीं पे एक ही जगह पे बैठा हुआ है ये। चलिए दोस्तों इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और लाते इसे बाहर और भी इसके बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। अब मौसम पूरी तरह से बदल चुका है दोस्तों, अब सर्दियां आना चालू हो गई है। इस कारण दोस्तों ये भूखे प्यासे 3 से 4 महीने के लिए हाइबरनेशन के कारण दोस्तों ये अपने बिलों में प्रवेश करेंगे। और जब भी दोस्तों बारिश की पहली बरसात होगी तभी ये निकल पाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी लंबाई देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक सांप हो सकता है दोस्तों। ये इसकी उम्र लगभग दोस्तों 15 से 16 साल की है। जब इसे दोस्तों हाथ में उठाया तो दोस्तों इसमें ना बहुत ज़्यादा वजन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देख के दोस्तों कॉपी ना करें, ये काम बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। ना इसने कुछ खाया पिया हुआ है दोस्तों, ठंड की वजह से इस प्रकार से ऐसा हो चुका है वो। इन ब्लड बहुत ठंडा होता है दोस्तों, इस कारण ज़्यादा होड नहीं निकाल पाते, फन नहीं निकाल पाते हैं। चलिए दोस्तों इसे पैक करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिब्बा बहुत छोटा पड़ रहा है इसको। इस दोस्तों ये डिब्बे में नहीं आ पाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों उसका जो हुड होता है वही आ गया डिब्बे में, या तो इसे दोस्तों दूसरे बर्तन में वो रखना पड़ेगा, या दूसरा औजार दोस्तों, या बैग वैग में रखना पड़ेगा इसे। आप देख सकते हैं दोस्तों काफी आक्रामक है ये, इसकी लंबाई देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। काफी बिग साइज का कोबरा है और काफी भारी भरकम है दोस्तों, काफी खाया पिया हुआ है ये, आप देख सकते हैं। करो दादा कहीं तो करो। इसके काटने के बाद दोस्तों आपके पास एक टाइम होता है 40 से 50 मिनट का, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, तो ये आपके प्राण बच पाएंगे दोस्तों। इसके जहर के द्वारा बना हुआ एंटीवेनम ही आपकी जान बचा पाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये ग्राम जामकोटा का सीन है दोस्तों, और ये खेत खलिहान यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहीं पे दोस्तों इनका मकान है। लेकिन इतना बड़ा सांप दोस्तों मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार रेस्क्यू किया है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत दोस्तों। आप देख सकते हैं ये केचुली निकालने की 1 से 2 दिन में निकाल देगा दोस्तों, ये निकल रही है ऑटोमेटिक कहीं कहीं पे। जब केचुली में सांप रहता है दोस्तों काफ़ी चिड़चिड़ापन रहता है उसमें, और काफ़ी आक्रामक रहता है, काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है दोस्तों इन्हें। आप देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों ये भरने में नहीं आ पाएगा, इसलिए इसके लिए दूसरा जार बुलाया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये इस बड़े डिब्बे में डालते हैं इसे। दोस्तों अगर हमारा काम आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये काफ़ी वजनी है दोस्तों, इसे संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। चलिए दोस्तों इसे डिब्बे में डालते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों इसके वजन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आधा अंदर जाने के बाद भी आधा नीचे लटका हुआ था, तो भी डिब्बे को गिरा दिया दोस्तों इसने। इसी प्रकार जीवों को बचाते रहें दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, किसी बेजुबान को बचाने के लिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।